घंटे बाद स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। फसल के NH-19 स्थित गांव अटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना 22 बजे से जारी रहा। धरने पर चल रहे किसानों के 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में चौथे दिन भी 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक मरते दम तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक स्थित कृषि बिलों को रद्द करवाने, MSP पर कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ठंड व सर्द हवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पा रही है। किसानों की धरना स्थल पर चौथे दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। चौथे दिन भी भूख हड़ताल में बदलकर पलवल जिले के गांव अटोहा के चौहानपाल के 12 किसान बैठे, जबकि तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे मीतरौल और औरंगाबाद के 11 किसानों ने 24 घंटे बाद अपने उपवास को समाप्त किया। किसान नेता ज्ञान सिंह और जयराम ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज गति देकर और मजबूत किया जाएगा। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे समय कितना भी लग जाए। मोदी सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भाजपा सरकार दुष्प्रचार ना करे। आज 36 बिरादरी किसानों के साथ है, इसलिए भाजपा सरकार होश में आए और तुरंत इन काले कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये काले कानून किसानों के हित में नहीं है और जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन यूं ही तेज गति से जारी रहेगा और निश्चित तौर पर इन काले कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच चल रही इस लड़ाई में किसानों की ही जीत होगी और सरकार को हर हाल में किसान के आगे झुकना पड़ेगा और उन्हें ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। क्या कहोगे जिस तरह से आपने क्रमिक भूख हड़ताल 24 घंटे पूरी की, अटोहा वाले अब बैठ गए हैं लगातार 24 घंटे की क्रमिक हड़ताल अलग अलग गांवों के लोग कर रहे हैं, और वहीं जो आप भाजपा वाले वो कहते हैं इसके आंदोलन पीछे कांग्रेस का विपक्षी पार्टियों की साजिश है, क्या कहोगे इस बारे में? हमारा जो क्रमिक भूख हड़ताल है 11 बजे अब खत्म हो गई है, अटोहा वाले अब हम साथी आ गए वो बैठेंगे, और जहाँ तक राजनीतिक गैर राजनीतिक BJP वाले कहते हैं ये तो बड़ी हास्यास्पद कहें आश्चर्यजनक कहें ऐसा सुन के बहुत दुख होता है। हम किसान हैं, किसी पार्टी से भी संबंधित नहीं है, किसान केवल किसान है, ना किसी जाति के ना किसी धर्म के, यहाँ सर्वधर्म और सर्व जातीय किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, ना कि कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं, किसी अन्य पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं, ये किसानों की लड़ाई है, किसान ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जो किसानों की मांग है सारे किसान एकजुट हैं। गांवों में जागृति आ रही है, रोजाना यहाँ बढ़ते जा रही है संख्या, आज तेवतिया खाप आएगी यहाँ, कल सौरौत खाप आएगी, परसों रंगीला खाप आएगी, चौहान खाप वाली सारे खापें, सारा इलाका बहुत जागरूक हो चुका है, गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं और इस धरना को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी आज सड़कों पर उतर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ज्ञापन भी देने जाएंगे राष्ट्रपति को अपने नेताओं के साथ, क्या कहोगे इस बारे में? इसमें अपनी कोई राजनीतिक पार्टी अपनी स्तर से कर रही है, वो अपने स्तर से कर रही होगी, हमें समर्थन दे रही होगी। हमारे यहाँ तो यदि कोई नेता राजनीतिक आता है तो वो अपनी झंडी और अपना डंडा हटा के आएगा और किसानों का समर्थन देगा तो उसको बोलने के लिए दी जाती है, नहीं तो वरना किसी को नहीं बोलने देते। यहाँ तो केवल किसान बोलते हैं जो किसान हैं, बल्कि नेता शब्द भी हमें तो कुछ अखरता है, हम तो किसान हैं, हम किसान नेता भी नहीं, किसान हैं हम, और किसानों की लड़ाई है, किसान होके ही हम लड़ रहे हैं। उम्मीद है जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी, निश्चित जीत होगी, जब तक जीत नहीं होगी हटेंगे नहीं, यहाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक जीत नहीं होगी, जीत हमारी होनी निश्चित है। क्या कहो चौहान साहब, ये धरना भी चल रहा है आपका लगातार, सरकार सुन नहीं रही है, आसपास के लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है इस आंदोलन? सरकार स्पेशल झूठ बोल रही है, किसान अपनी ताकत के साथ लड़ा हुआ है, धरती आकाश एक हो जाए पर किसान हटने वाला नहीं है, अपने हक की लड़ाई के लिए हर तरीके से तैयार। सरकार अपने दिमाग से ये निकाल दे किसान गलत आंदोलन पे, किसान 100% आत्मा हृदय से कहते हैं हम एक सच्चाई की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो सरकार दुष्प्रचार कर रही है ये किसान वो है ये किसान वो है, सच्चे किसान हैं, खेती से काम करने वाले हैं, खेतों में पानी लगाने वाले हैं, खेतों में गन्ने काटने वाले हैं, खेतों में गेहूँ की फसल काटने वाले हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार कहती है कि ये किसान नहीं है ये भाड़े के हैं, भाड़े के तो तुम लोग हो जो इस प्रकार किसान को परेशान करके झूठा प्रचार करके मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगला रहे हो, शर्म आनी चाहिए सरकार को। कब तक डटे रहेंगे?
जब तक हमारे शरीर में प्राण और ताकत है और अपने हक के लिए जब तक नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ लड़ते रहेंगे हम। हमारा सरकार को सख्त संदेश है, हम अपनी लड़ाई लड़ के रहेंगे और जीत कर रहेंगे। सरकार कान खोल के सुन ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।